तो सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ बहुत ही हार्ड हिटिंग। यहाँ पे देखिए कितना ही ज़्यादा मैं फेस को यहाँ पे गोरा में कर रहा हूँ, देख रहे हैं गाइस आप लोग। देखिए यहाँ पे कितना हार्ड, यहाँ पे हैंड को देखिए मैंने कितना हार्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। और बैकग्राउंड को तो बात ही मत कीजिए, मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे सीवी एडिटिंग का बनाया है। देख रहे हैं गाइस कितना हार्ड हमारा बैकग्राउंड यहाँ बनाया है सीवी एडिटिंग वाला। तो गाइस आप लोग भी कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है ना गाइस, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे देखिए सीवी एडिटिंग हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं ना गाइस कितना हार्ड यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है, देख रहे हैं ना। और बैकग्राउंड पीछे का बैकग्राउंड देखिए मैंने कुछ अलग टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है मतलब फोटो के हिसाब से बाहर में गया वो प्यार, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए कितना हार्ड मैंने फोटो बनाया। तो गाइस अगर आप लोग भी इस तरह फोटो बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इंस्टा पर जाकर लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए हम लोग इससे सबसे पहले स्किप कर देते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो गाइस देखिए हमारा ये रहा कुछ इस तरह का ओरिजिनल पिक, ये रहा, ठीक है। तो गाइस इस पिक को हम यहाँ से शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद हम ले जाएंगे यहाँ से सीधे यहाँ से देखिए लाइट रूम में, ठीक है। देखिए हम सीवी एडिटिंग करेंगे, बहुत ही हार्ड हमारा एडिटिंग होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से देखिए इसे शेयर करते हैं और ले जाते हैं यहाँ से लाइट रूम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने शेयर कर दिया और ले जा रहा हूँ मैं यहाँ से इसे लाइट रूम में। तो देखिए हमारा फोटो ये लाइट रूम में जा चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इस पर क्लिक करते हैं, और देखिए यहाँ पे हमारा फोटो आ चुका है, कुछ इस तरह का ओरिजिनल पिक हमारा आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा ओरिजिनल पिक आ गया, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, ये रहा मेरा प्रीसेट, ठीक है, ये मेरा प्रीसेट नहीं, बैक एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसे मैं एक बार बैक कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी यहाँ से आने खुल नहीं रहा यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ से कट करता हूँ यहाँ से, इसे इसी तरह से बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा गाइस देखिए बैकग्राउंड, ठीक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सॉरी प्रीसेट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी सेटिंग पर जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, डन कर दीजिएगा। तो गाइस इतना काम करने के बाद हम बैक करेंगे, और बैक करने के बाद से अपने ओरिजिनल पिक पे चले जाएंगे। अपने ओरिजिनल पिक पर आने के बाद सीधे यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट सेटिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने कुछ इस तरह से पेस्ट सेटिंग कर दिया, कितना हार्ड हमारे यहाँ पे फोटो हो गया, ठीक है। देख रहे हैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी होगा, देख रहे हैं कितना हार्ड हमारा फोटो हो गया। तो गाइस अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करें, लाइट पाएंगे, लाइट पाने के बाद इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इतना कुछ बढ़ा देंगे बस, ठीक है। और यहाँ से इसे शेयर करेंगे, ठीक है, और शेयर करने के बाद हम इसे सीधे लेकर चल जाएंगे यहाँ से सीधे स्केच बुक में, ठीक है। यहाँ से चलिए स्केच बुक में ले चलते हैं सीधे इसे हम, ठीक है ना। देखिए यहाँ से सीधे हम लोग स्केच बुक में पहले ही लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्केच बुक में आ गए, तो यहाँ से पहले से हमारा फोटो है, तो पहले वाला हम फोटो यहाँ से पहले वाला फोटो हम क्या करते हैं, सारा का सारा डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले वाला फोटो सारा का सारा यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये रहा मेरा पिक जो है, ठीक है, देख रहे हैं कितना ज़्यादा HD है, ठीक है। तो गाइस और भी इससे ज़्यादा आप लोग HD बनाना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग एक और तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से लाइट रूम से इसे शेयर करता हूँ, ठीक है ना, और शेयर करने के बाद से देखिए और ज़्यादा HD कैसे बनेगा हम आप लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम भी जाएंगे सीधे स्नैपचैट में, ठीक है ना, स्नैपचैट में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्टिव पे चलेंगे और अपने यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सा बस बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे इधर भी हैंड पर थोड़ा सा मतलब लाइट कम ही है, तो यहाँ पे कुछ इतना बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे और अब क्या करेंगे, गर्दन पे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गर्दन पे भी हम क्या कर, थोड़ा सा इधर करके और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाए, तो डन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इतना काम हो गया हमारा, अब इतना काम होने के बाद से देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे डिटेल्स आएंगे और शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और डन कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से शेयर कर देंगे, शेयर करें तो फोटो हमारा हो जाएगा सेव। तो चलते हैं गैलरी में, देखते हैं हमारा फोटो यहाँ पे सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फोटो हो चुका है यहाँ पे सेव, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसे काट देंगे सीधे, यहाँ पे एक ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और एडोब फोटोशॉप, ठीक है, यहाँ पर देखिए एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे देखिए हम इस फोटो में आ जाएंगे, यहाँ से अपना फोटो ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ चलिए ये रहा मेरा फोटो, तो हम इस फोटो को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इस पर आ जाएंगे, ठीक है, लिबर्टी पर आ जाएंगे, और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और इस पर आ जाएंगे, और अपने हिसाब से साइज़ को हम रख लेंगे पहले, ठीक है, अपने हिसाब से इस तरह साइज़ को रख लेंगे। और देखिए अब यहाँ पर सॉरी एक बार और बैक कर लेते हैं, और साइज़ को थोड़ा सा हम क्या करते हैं अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से बड़ा इसे कर लेते हैं, और देखिए साइज़ को बड़ा करने के बाद से हम क्या करें, एकदम आराम से थोड़ा सा और साइज़ को यहाँ पे जूम करके यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और देखिए यहाँ से एकदम अपने आराम से अपने हेयर को उठाएंगे, देखिए कितना अच्छे से हमारा हेयर उठ रहा है, देख रहे हैं गाइस, एकदम अच्छे से हमारा हेयर उठ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और बैकग्राउंड भी खराब नहीं हो रहा है, और पिक्चर में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब हमारा बैकग्राउंड क्या होता है वो खराब हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिख ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरा क्या होता है बैकग्राउंड यहाँ पे खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सर उठ गया, और यहाँ पे चलिए देख लीजिए ना गाइस, अब देखिए हम क्या करते हैं, इस फोटो को हम करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से इस डन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डन कर देते हैं नीचे से, और यहाँ से कर लेते हैं शेयर, और शेयर करने के बाद गैलरी में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं गैलरी में और देखते हैं हमारा फोटो सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देखिए हमारा फोटो यहाँ पे सेव हो चुका, पहले कैसा था ऐसे था और अब ऐसा हो गया, ठीक है। इतना काम होने के बाद से गाइस हम सीधे क्या करेंगे, देखिए अब हम फोटो के यहाँ से करेंगे शेयर, ठीक है ना, और शेयर करने के बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे रेमनी में, ठीक है ना, कुछ इस तरह से देखिए रेमनी मिलेगा, और रेमनी मिले जाने के बाद इसमें हम कर देंगे रेमनी के यूज, ठीक है। तो चलिए देखिए रेमनी हम इसे मार देते हैं यहाँ पे, देखिए अभी, ठीक है ना। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से हो रहा है अभी, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो रेमनी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या कि जिससे हमारा क्या होगा
फोटो एकदम फुल HD होगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमारा हो रहा है हमें, तो देखिए अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी अभी हो रहा है मेरा काम, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस आप लोग देखिए फोटो बनाना तभी सीखें जब तक आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच नहीं करें, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह हो गया, यहाँ से फोटो कर लेते हैं हम लोग सेव, ठीक है ना। कितना ज़्यादा HD हो गया हमारा फोटो, तो यहाँ से हम कर लेते हैं फोटो को सेव। अब देखिए फोटो को सेव करने के बाद से देखिए हम क्या क्या करते हैं, डन कर लेते हैं। अब देखिए डन करने के बाद से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा फोटो, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ से शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद ले जाएंगे सीधे स्केच बुक में, ठीक है। तो चलिए स्केच बुक में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए स्केच बुक में आ गए, स्केच बुक में यहाँ आने के बाद से हम करेंगे यहाँ पे फेस को स्मूथ, ठीक है ना। स्मूथ तो देखिए यहाँ पे बर्ड्स को हम पहले सबसे पहले बर्ड्स को यहाँ चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में चलते हैं और बर्ड्स को हम ये वाला बर्ड्स ले लेंगे, ठीक है। और सेटिंग कुछ इस प्रकार रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जूम करेंगे इसे और यहाँ पे इसे हम कुछ इस तरह से हमको लग रहा है इस ये हमारा पहले वाला ही फोटो है, तो यहाँ पर वर्ड चेक कर लेते हैं। तो हमारा इस ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले वाला ये फोटो है, ठीक है। तो हम इसे हटा देते हैं। अब देखिए अब आया ओरिजिनल पिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे जूम करेंगे और अपने हिसाब से साइज को रख लेंगे यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से, और एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे, ठीक है। हम देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा स्मूथ हो रहा है, देखो गाइस कितना हार्ड और कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे साइज को थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पे छोटा कुछ इतना, ठीक है। और देखिए एकदम अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से हो गया ये, ठीक है। इस साइड हम देखिए एकदम अच्छे तरीके से करेंगे यहाँ पे, देख रहे ना कितना अच्छे तरीके से हमारा देखिएगा ऐसे यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, देख रहे ना। तो यहाँ पे साइज को हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे छोटा, ठीक है, कुछ इस तरह से छोटा कर लिया। अब देखिए यहाँ से इसे हम कितना अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया, ठीक है। और देखिएगा इसमें जैसे जैसे बर्ड्स को घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, सेम वैसे वैसे आप लोग क्या करना है बर्ड्स को घुमाना है, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कितना अच्छे तरीके से अपने बर्ड्स को यहाँ पे घुमा रहा हूँ, कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मूथ भी हो रहा है मेरा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, कितना हार्ड हमारे यहाँ पे दिख रहा है, स्मूथ हो रहा है। नाक भी थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, नीचे भी कर लेते हैं और ऊपर भी यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट में, ठीक है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इधर ये हो गया, तो इस साइड भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं इधर हल्का सा, ठीक है ना गाइस। इधर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब इधर भी इस साइड भी हम कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से और आराम से, ठीक है ना। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये रहा, ठीक है, इस साइड भी कर लेते हैं, यहाँ पे ये रहा तो हम इधर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना काम हमारा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कान पे कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हैंड पे, इस पर हैंड पे तो साइज को इतना कुछ बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद से देखिए सॉरी यहाँ से हमारा कुछ गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा बर्ड्स को चेंज हो चुका है, तो यहाँ से बर्ड्स हम फिर से पहले वाले ले लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से हम यहाँ पे स्मूथ करते हैं, ठीक है ना गाइस। देखिए कुछ इस तरह से ये रहा, ठीक है, देखिए कितना अच्छे तरीके से हम इसे कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने गर्दन पे, तो गर्दन पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का मारेंगे ताकि जो हमारा पहले वाला है चिन्ह वो हमारा रहे गर्दन का, ठीक है, लगे कि हाँ ये गर्दन ही है, ठीक है ना गाइस। नहीं तो मिल जाता है तो स्किन पूरा मिल जाता है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इतना फिर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ जाते हैं अपने हैंड पे, तो साइज को थोड़ा सा बस हम लोग इतना कुछ बड़ा कर लेंगे और एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मूथ करेंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरह से देख रहे हैं गाइस कितना हार्ड हमारा स्मूथ हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना गाइस। अब इतना काम हो गया, इतना काम होने के बाद क्या करेंगे, इसका हम एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए डुप्लीकेट लेयर बना लिया। अब देखिए डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी में चलेंगे, बर्ड्स को चेंज करेंगे, ये वाला हम लोग बर्ड्स रख लेंगे, ठीक है। और कलर हम लोग कुछ देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और कलर हम लोग यहाँ से चलिए यहाँ से कलर को हम क्या करेंगे, ये वाला रेड कलर रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से चलिए देखिए ये कलर हम लोग रख लेंगे, इस तरह से नीचे क्रॉस कर लेंगे और डन कर लेंगे, ठीक है। फिर आएंगे अपने लिप्स पे और लिप्स पे कुछ इस तरह से एकदम अच्छे तरीके से लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें, जो हमने डुप्लीकेट लेयर बनाया था उसको ऑफसेटिंग को हम लोग कम बेस करेंगे, ठीक है। तो हम इतना रहने देते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और फोटो, इतना काम होने के बाद से आप क्लिक करेंगे और शेयर पे यहाँ से शेयर करेंगे, अदर पे जाएंगे, अदर पे जाने के बाद शेयर कर देते हैं और शेयर करने के बाद हम लोग सीधे ले जाएंगे इसे स्नैपचैट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे ले चलते हैं स्नैपचैट में, यहाँ से देखिए चलिए यहाँ से ये रहा मेरा स्नैपचैट, ठीक है, SNT पाएगा। अब देखिए SNT पाने के पास यहाँ पर सिलेक्टिव आते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ठीक है। और यहाँ पर रखने के पास इस तरह से बढ़ाएं इसे कम कर लेंगे, ठीक है, और इसे भी कम कर लेंगे थोड़ा सा, और इसे भी थोड़ा सा बस कम कर लेंगे, ठीक है, और ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। अपने हैंड पे भी इसे हम रख लेंगे कुछ इस तरह से और इस तरह से थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा कम करेंगे, इसे भी थोड़ा इतना कुछ कम करेंगे और इसे कितना कम कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, और इस तरह करेंगे तो इसे इतना कुछ कम बढ़ाएंगे, इसे इतना कम करेंगे और इसे हम लोग इतना कम करेंगे, इसे इतना कम करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमारा कितना हार्ड हो गया पहले से, देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, देख रहे ना कितना हार्ड हमारा हो गया। तो यहाँ पर इस बार सिलेक्टिव पर आएंगे और फिर शॉर्ट पर रखेंगे और इसे डाउन कर लेंगे कलर, ठीक है। इधर भी यहाँ पे भी थोड़ा सा हम क्या करें डाउन कर देंगे, यहाँ पे भी क्या करें थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हेयर पे भी क्या करें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस हेयर वाला थोड़ा सा बस डाउन करेंगे, डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले कैसा था और अब कैसा हो देख रहे हैं, यहाँ पाएंगे फिर से पोर्ट्रेट पाएंगे, पोर्ट्रेट पाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, फेस को कम कर देंगे, स्किन को कम कर देंगे, आइज को थोड़ा सा इतना कुछ बढ़ा लेंगे और डन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसे शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद अब हम इसे ले जाएंगे सीधे देखिए पिक्सार्ट में, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे हम देखिए पिक साइड में आ गए। अब देखिए पिक साइड में आने के बाद से देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले हम एक बार काम करते हैं, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से चलते हैं तो हम इसे एस एम सीट से शेयर किया हुआ था तो एस एम सीट पर आ जाते हैं। तो ये रहा मेरा कुछ, तो यहाँ से इसे शेयर करेंगे और शेयर कर बस इसे देंगे सीधे फेस ऐप में, ठीक है। तो यहाँ देखिए फेस ऐप में आ गए। अब देखिए फेस ऐप आने के पास देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हटा देंगे। अब देखिए बैकग्राउंड पर हम काम करेंगे सी मीटिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जूमिंग वाला में ये हम कर देंगे ब्लर पे जाने के पास, ठीक है। देखिए कितना हार्ड हो गया, इसे हम लोग पूरा कुछ इतना फुल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से अप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। अप्लाई करने से फोटो को भी कर देंगे हम लोग सेव, ठीक है। तो चलते हैं गैलरी में, देखते हैं हमारा फोटो यहाँ पे सेव हुआ कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा फोटो को एकदम अच्छे तरीके से सेव हो चुका है। तो हम इस फोटो को यहाँ शेयर करेंगे, ले जाएंगे सीधे पिक्सार्ट में, ठीक है ना। अब देखिए पिक्सार्ट में आने के बाद से यहाँ पे ऐड फोटो पा लेंगे, और जो मैंने स्नैपशीट से शेयर किया हुआ था पहले वाला फोटो उसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद से एकदम साइज को बड़ा करके ऐसे और बैठा लेंगे, ठीक है। इरेज पा जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इरेज पा जाएंगे और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और इस तरह से हम बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे, ठीक है। मतलब ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेंगे, नीचे वाले को रहने देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इरेज इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना गाइस, दिख रहे हैं ना। और यहाँ से डन कर देते हैं, फोटो कर लेते हैं हम लोग सेव, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद अब देखिए हम करते हैं यहाँ पे इफेक्ट पा जाते हैं। इफेक्ट पाने के बाद यहाँ पे कलर पा जाएंगे, ठीक है ना। कलर पाएंगे इस पर आएंगे और इस पर हम रखेंगे, और अपने हिसाब से जो आपको कलर अच्छा लगे, तो हमको ये भी अच्छा लग रहा है तो ये रख लेते हैं। और यहाँ से इसे हम लोग पूरा फुल कर लेते हैं, इसे फुल कर लेते हैं, और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसे हम कर देते हैं, सॉरी सिलेक्टिव को हम क्लिक करते हैं, और इसे बैकग्राउंड कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमारे यहाँ से बॉडी से क्या होगा, ये कलर हट जाएगा, केवल बैकग्राउंड चलेगा, डन कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, हम एक बार और कलर पाएंगे, इफेक्ट्स पाएंगे, इफेक्ट्स पाने के बाद यहाँ पे कलर पाएंगे, कलर पाने के बाद फिर आएंगे सिलेक्टिव पे, और इस पर रखेंगे कुछ हम लोग इस तरह से, और क्या करेंगे इसे हम लोग अपने हिसाब से इसे देखिए ऊपर वाले को पहले इस तरह से पूरा कम करेंगे, इसे भी हम लोग क्या करेंगे इसे कम करेंगे, इसे भी कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ फिर से क्लिक करेंगे और हम इसे कर देंगे बैकग्राउंड, ठीक है। तो चलिए हमने बैकग्राउंड कर दिया, फिर से यहाँ से डन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से चलिए फोटो को सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारा फोटो कितना अच्छा सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फोटो पाएंगे, और हमारे एक PNG है, ठीक है, आप लोगों को मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड वहाँ कर लीजिएगा, ये रहा। इसे मैं यहाँ से कर दूंगा ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद से मैं इसे कर दूंगा यहाँ से ब्लेंड पे, यहाँ पे स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है ना। स्क्रीन करने के बाद इसे लाएंगे, और यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे कुछ इस तरह से फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करें, एडजस्ट पाएंगे, एडजस्ट पाएंगे बस इसे पूरा फुल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसे फुल करने के बाद इसे थोड़ा सा हम क्या करें इसे कुछ इतना करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसे इतना कर देंगे, ठीक है, और डन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर इरेज पाएंगे, इरेज पाने के बाद ये थोड़ा नीचे का जो है इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ब्रेकअप ऑफ रिमोटिवेशनल, ठीक है। इसे हम लोग क्या करें यहाँ से हटा देंगे और डन कर लेंगे यहाँ से, फोटो कर देंगे हम लोग सेव, ठीक है। तो कितना हार्ड हमारा फोटो दिखने लगा। तो एक बार और हम क्या करते हैं यहाँ से इफेक्ट्स पाते हैं, इफेक्ट्स पाने के बाद से यहाँ पे इफेक्ट्स पा देंगे, इफेक्ट पाने के बाद से HDR कर देंगे, और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कर देंगे हम, ठीक है। बैकग्राउंड कर देंगे इसे और डन कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इतना काम हो गया, तो यहाँ सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे चलेंगे सीधे यहाँ से ड्रॉ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ड्रॉ पा लेते हैं। अब देखिए ड्रॉ आने के बाद से हम लोग कर लेंगे फोटो को सेव, ठीक है ना। सेव करने के बाद से मोर पे जाएंगे, और देखिए मोर पे आने के बाद से, ठीक है ना, अब हम क्या करें इसे लेके चलेंगे सीधे टूलिज पे, ठीक है। यहाँ पर टूलिज पे क्लिक करते हैं। अब देखिए टूलिज पाने के बाद से बैकग्राउंड में थोड़ा सा और भी हम हार्ड करेंगे, बैकग्राउंड को इफेक्ट पर चलेंगे, इस पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दो नंबर करते हैं, तीन नंबर करते हैं, ठीक है, चार नंबर करते हैं, ठीक है, तीन नंबर पर रन देते हैं, ठीक है, तीन नंबर पर रन देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं मार्क्स पर क्लिक करते हैं, क्लेम करते हैं, ठीक है। और इस पर हम लोग इस तरह से इरेज करते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाला जो हमारा पार्ट बैकग्राउंड का है उसे हम लोग इरेज करते हैं कुछ इस तरह से, देखिए कितना अच्छा हमारा दिख रहा है, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अपने हेयर को भी थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, इसे भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। और यहाँ से डन कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से डन कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से फोटो को सेव करते हैं हम लोग सेव, ठीक है, सेव टू शेयर। अब देखिए यही से हम लोग सीधे यहाँ से शेयर करेंगे और ले जाएंगे सीधे हम लोग यहाँ पे सीधे इसे स्नैपचैट में, ठीक है, लाइट रूम में। तो एक बार लाइट रूम लेते, एक बार और हमें लाइट रूम ले जाना पड़ेगा, एक बार नहीं जा पाता है लाइट रूम में, तो एक बार और हमें लाइट रूम ले जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं नोटिफिकेशन, देखते हैं हमारे लाइट रूम में फोटो यहाँ पे गया कि नहीं गया। तो यहाँ देखिए फोटो रूम में हमारा फोटो यहाँ पे लाइट रूम में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, अब देखिए ये रहा मेरा फोटो जो आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करें इस पर क्लिक करेंगे कलर पे, ठीक है, इस पर आ जाएंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे पूरा कम कर देंगे, इसे भी इस तरह से कम कर लेंगे, ठीक है ना। और इसे हम लोग कुछ इतना कम कर देंगे, देखिए कितना अच्छा हमारा फोटो दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए डाउन कर देंगे, फिर लाइट पाएंगे, लाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इतना कुछ, ठीक है, और ब्लैक को इतना कम कर लेंगे, ठीक है, शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इतना कुछ, ठीक है ना। अब क्या करें कलर पाएंगे, कलर पाने के बाद से हम लोग आ जाएंगे मिक्स पे, इस पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और इससे देखिए हम लोग कुछ इसे इतना रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पाएंगे तो इसे हम लोग इतना कर देंगे, इसे हम लोग थोड़ा सा इतना कर देंगे, ठीक है, जिसके हमारे फेस और भी ज़्यादा गोरा हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसे जैसे जो है उसे वैसे रहने देंगे, ठीक है, और डन कर लेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट पाएंगे, इफेक्ट पर क्या करेंगे, क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, टेक्चर को थोड़ा सा कम करेंगे, डिटेल्स पाएंगे, शार्पनिंग इतना, रेडियस इतना, और फोटो को हम लोग कर देंगे यहाँ से सेव, ठीक है। तो चलिए यहाँ से फोटो को हम लोग कर लेते हैं सेव। तो गाइस जल्द से जल्द जाइए, अभी ऐसा फोटो बनाइए, ठीक है ना गाइस। और देखिए गाइस
डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का आईडी दिया, वहाँ जाकर फॉलो करें। और जो भी प्रीसेट आपको चाहिए, ठीक है गाइस, या बैकग्राउंड पीएनजी जो तो भी मैं लगाया है वो चाहिए, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए गाइस मैंने कितना था एचडी फोटो बनाया और कितना हार्ड मैंने फोटो बनाया, ठीक है, तो जल्द से जल्द आप भी ऐसा फोटो बनाए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय गाइस।